ये देखिए टाइम कितना हो रहा है पता है, 1 बज रहा है और ये पिकअप आ गई है हमारी। ये देखिए टाइम कितना हो रहा है पता है, 1 बज रहा है और ये पिकअप आ गई है हमारी। देख रहे पूरा अंधेरा ही अंधेरा है भाई। अब हम लोग निकल रहे हैं अपने मंजिल की ओर। आ गई पिकअप। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं अपने सफर के लिए। अभी तो गाड़ी पे सामान लोडेड है और ये कौन है भाई? है और भाई जी इतने रात को 1 बजे ये कौन सा आदमी है जो बाइक से जा रहा है भाई? हमको तो पता नहीं भाई, होगा कोई आदमी। और एक एक नहीं भाई, तीन तीन लोग बैठे हुए हैं उस पे। हमको क्या लेना देना, हम लोग तो जा रहे हैं भाई। और इधर देखिए अंकल जी को नींद भी आ रही। हाँ भाई सब लोग सो जाते हैं तब हम लोग उठकर पिकअप लेकर चले जाते हैं भाई। भाई लोग हम लोग फाइनली NH 57 पे चढ़ गए हैं जो ये रूट डायरेक्ट जाती है दरभंगा और उससे भी आगे जाती है। अभी हम तो उससे आगे दरभंगा से आए गए नहीं, ठीक है। तो देख रहे भाई पूरा रोड सन्नाटा NH 57 है भाई। और देख रहे इक्का दुक्का गाड़ी चल रहा है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रात कितना हो रहा है भाई, हम लोग कैसे जाते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और जितने हमारे ड्राइवर भाई साहब देख रहे हैं, हम कह रहे थे जितने हमारे ड्राइवर भाई साहब है, ड्राइवर का लाइफ कैसा होता है, ड्राइवर रहते कैसे हैं, तो हम वो पूरी वीडियो बना देंगे भाई। बस आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अभी तो हम लोग को लेना है तेल, ठीक है, क्योंकि डीजल है नहीं गाड़ी में, तो डीजल के बिना गाड़ी चलेगी कैसे। तो भाई ये रहा सामने पेट्रोल पंप आ गया, दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग लेंगे तेल। एक पिकअप पहले से यहाँ पे अंकल जी लगाए हुए हैं, वो देख रहे हैं सामने एक पिकअप लगा हुआ है। अब हम लोग पिकअप लगाएंगे और तेल लेंगे और फिर निकल जाए। तो गाय जी फाइनली डीजल भी इसमें डला चुका है। तो गाय जी आगे मैठी टोल प्लाजा है, यहाँ पे लिखा होगा देखिए टोल प्लाजा है ना। कौन वाला? पास देखा वो छोड़ दे, आई फास्ट टैग में से ना कटे। गाइज फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मैठी टोल प्लाजा, ठीक है। जो रोड पे हम लोग गाड़ी चलाते हैं उनका तो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, तो वही टोल टैक्स लगा हुआ है। तो गाइज हम लोग फाइनली यहाँ पे भी रुके हुए हैं मैठी टोल प्लाजा पे, देख रहे हैं अभी रेड है। जब आपके फास्ट टैग से पैसा कट जाएगा तो जो यहाँ पे हरा हो जाएगा, ठीक है। आप अभी देखते रहिएगा जैसे हम लोग अभी पैसा कटाएंगे, ठीक है। फास्ट टैग से पैसा नहीं कभी कटाएंगे, हम लोग का पास बना हुआ है, अब आप सभी बनवा सकते हैं। देखिए उठ गया ना रेड, रेड से हरा हो गया, अब निकल जाएंगे, अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो यही तो है गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने देखा रात का वाला व्यू था, हम लोग निकले थे लमसम 1 बजे घर से निकल गए थे, ठीक है। और जैसे जैसे आए वैसे वैसे हम सारी चीज़ आपको हम दिखलाए, बस एक ही है सुबह का सीन हम आपको नहीं दिखला पाए। लेकिन हाँ इधर से जाते वक्त अभी तो 6 बज गया है, देख रहे हैं सुबह हो गया है पूरा टाइम, गाड़ी भी खाली हो रहा है पीछे। तो बस और आप लोग हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसा ऐसा ट्रैवल ब्लॉग हम डेली आप लोग के लिए लाते हैं। हम लोग हैं मधेपुरा, सहरसा, सहरसा के बाद आता है ना मधेपुरा, वहाँ पे अभी हम लोग सिंहेश्वर में आए हैं पिकअप लेके, देख रहे हैं उधर पिकअप साफ कर रहे हैं अंकल लगते हैं। जाइए वीडियो को फुल वॉच कीजिए और जितने हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं आप लोग तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ये वीडियो को, ठीक है। और जितने हमारे YouTube के दर्शक फैमिली देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हो सकता है तो हम लोग अलग अलग शहर में जैसे जाते हैं, आज जैसे मधेपुरा आ गए, कल सहरसा, सुपौल, ऐसे मतलब अलग अलग शहर में हम लोग जाते ही रहते हैं, तो हम हर जगह का ब्लॉग ट्रैवल हम आपको दिखाएंगे। तो फाइनली पिकअप खाली हो चुका है, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। तो आगे का दिन का व्यू हम आपको इस वाले वीडियो में पूरी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा।
तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है नगर परिषद मधेपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए गाइज कितना प्यारा सा रास्ता है भाई, और उधर पूरा खेत ही खेत है, बस हरियाली देखते जाइए और बादल भी देखिए कितना मस्त बादल लग रहा है। को लग गया है भूख क्योंकि निकले हुए थे हम लोग 1 बजे करीब में, हाँ 1 बजे घर से निकले थे और अभी देख रहे हैं 8 बज रहा है सुबह का। इधर बोतल है, उधर जा रहे हैं और सामने ही होटल है, हम लोग जा रहे हैं 2-2 या 3-3 लिट्टी खाएंगे फिर निकलेंगे घर के लिए और देखते हैं बना हुआ है कि नहीं वो भी पता नहीं। तो गाइस ये देखिए हमारा 2-2 प्लेट लिट्टी और वो छोला है ना उसके साथ प्याज दोनों आ चुका है और इधर हम लोग खाएंगे। काफी समय से भूख भी लग रखा है, 2 गिलास पानी भी आ गया तो हम लोग ने पहले से बोतल में पानी भर कर रखा हुआ है इसमें इधर खींचे। तो चलिए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए, ठीक है। आपको पता है बिहार का फेमस है लिट्टी चोखा। गाइस ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये जो साइड में नदी आपको दिख रहा है, आपको पता है कौन सा नदी? आप लोग कॉमेंट में जरूर बताए, ठीक है। देखिए ये पूरा गंगा माँ है, ठीक है, और ये नदी का नाम है और ये फ्लाईओवर का नाम है कोसी नदी, ठीक है। ये कोसी नदी है जो कुछ दिन पहले इसमें एक वीडियो वायरल हो गया था एक लड़का का जो पानी में इसी पानी में कूद गया था, वो उधर था, हम लोग इधर हैं सहरसा वाला रास्ता ही। तो गाइस जैसे कि आपने देखा पटना तो गए होंगे, जैसे पटना का पुल आपको पार करने में समय लगता है वैसे ही ये पुल को पार करने में आपको समय लग जाएगा। जितना समय उसमें लगता है हमको लगता है उससे काफी समय इसमें लग जाता होगा, 3 से 4 मिनट इसको पार करने में लग जाता है। पटना में तो जाम उम भी लग जाता है यार, देख रहे हैं पूरा नदी पूरा पानी भरा हुआ है, अभी तो पानी कम गया है।